वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगली वाली क्लास करने वाला है, जो कि हमारी क्लास नंबर 3 है। वैसे तो हमारी ये क्लास नंबर 2 ही है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, अपना रिन्यूएबल ऑफ बिल्स, कि मतलब बिल्स को रिन्यू कैसे किया जाता है और किन किन कंडीशन पे कर सकते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह क्या होती हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो बिल होता है वो क्या हो, वो डिसऑनर हो जाए, या मतलब है कि उसको जो जिसको पे जिसको करना था ड्रॉई को, जिसको पेमेंट जो करेगा, तो वो अपने वाले बिल को डिसऑनर ही करवाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको रिन्यू भी करवा दे। तो रिन्यू कैसे करवाता है वो भी अभी हम लोग इस वाली क्लास में अपने पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ही बिल्कुल आज ही फ्रेश फ्रेश जुड़े हैं, ताजे ताजे, तो उनको मैं बता दूं कि हम लोग कॉमर्स एक्सेस जो है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए UPPCL का एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। हम लोग आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं फ्री बैच, जिसमें हम लोग आपको अकाउंट्स और अपने इंग्लिश की बैचेस देते हैं, ठीक है। दोनों की क्लासेस हैं, अकाउंट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ और इंग्लिश आपको मैम पढ़ाती हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको हमारे चैनल जो कि है हमारा कॉमर्स एक्सेस, इसको सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, जैसे कि और भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उन बच्चों के साथ में, ठीक है। और भी बच्चे तैयारी करें, आप लोग भी तैयारी करो, पक्का सिलेक्शन पाओगे। तो सबसे पहले हमारा आते हैं वाले क्वेश्चन जो हमने कल आपको दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31/3/2019 वुड बी। तो देखो, कोई भी अगर बिजनेस है जो कब सेटअप हुआ हमारा, 31/3/2019 को सेटअप हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टैक्स का जो ईयर होता है, मतलब टैक्सेबल जो लाइबिलिटी का जो ईयर होगा, वो कितना होता है, वो भैया होता है 1 अप्रैल, है ना, 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019, ये होता है ना, कि मतलब इसका जो टैक्स होगा, ठीक है, इसका जो टैक्स होगा वो कब लगेगा, वो मतलब 2018 से लेकर के 19 के फाइनेंशियल ईयर का टैक्स हमारा असेसमेंट होता है, ठीक है। जब ये हमारा 19 वाला ईयर आएगा तब लगेगा। बट जब आपने इस पूरे साल को छोड़ करके 31 मार्च को ही बिजनेस को अपने सेटअप कर लिया, तो उस दिन का हमारा टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। ये क्वेश्चन CS का क्वेश्चन था, मतलब कि जो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसका एक क्वेश्चन था। इसके लिए मैंने डाला आप लोगों के लिए, कि मतलब आप लोगों के लिए अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, इतना हार्ड क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग उसमें क्या टिक करके आओगे। तो देखो, CS ने जो दिया था, कंपनी सेक्रेटरी का जो इंस्टीट्यूट है, तो उसने जो बोला था, ICSI ने, तो उसने इसका जो आंसर बताया था, वो बताया था भैया B, स्टार्ट फ्रॉम 2019 एंड विल एंड ऑन 31/3/2019, मतलब 31/3/2019 को ही शुरू होकर 31/3/2019 को ही खत्म हो जाएगा। बाकी जैसा मुझे लगता था, इसका आंसर ए होना चाहिए था कि 1 अप्रैल से 2018 से लेकर 31/3/2019 होना चाहिए, बट ICSI ने अगर ये वाला दिया है तो हमारा इसका आंसर यही होगा, क्या, 31/3/2019 से लेकर के 31। तो देखो, इसको क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज बी आंसर की, वो मैं बताता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कहीं पे भी। तो इसकी देखो पॉसिबिलिटी ये है, अगर हम लोगों का ये होता तो मुझे लगता कि हाँ बिल्कुल श्योर आंसर है, बट आंसर ये है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने मतलब पूरे साल भर कोई भी इनकम जनरेट नहीं करी, है ना, कोई भी इनकम जनरेट नहीं करी। अगर टैक्सेबल लाइबिलिटी लगेगी तो आपके ऊपर लगेगी कैसे, कुछ नहीं लगेगी। आपने एक दिन में बल्कि जितनी इनकम को अर्न किया, मतलब 31/3 को ही जितनी भी आपने इनकम को अर्न कर दिया, वो सारी की सारी आपकी किस में, 31 तारीख को ही लग जाएगी। तो मतलब इसी वाले ईयर में ही इसको ख़त्म कर देंगे, ताकि जैसे आपका जो 2019 जो आने वाला है, कब से, अप्रैल से जो 2019 आने वाला है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग अपना उसको न्यू वाले असेसमेंट ईयर में डाल देंगे, ठीक है। तो इस वाले असेसमेंट ईयर को ख़त्म करने के लिए ही इसने बी को चूज़ किया है, बाकी इसके हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी लगेगी, वो बात बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब जो भी को 2018 से 2019 के लिए कहा गया था, उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी लगेगी। तो इसका आंसर आप लोग देख लेना, जिसने भी अगर गलत किया है किसी बच्चे ने, तो इसका आंसर सही कर लेगा। कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा करेक्ट बी। चलो आगे करें, फिर आया था, ये तो इजी क्वेश्चन है, सेस इज पेबल ऑन, ठीक है। तो सेस किस पे लगता है, तो सेस ए था हमारा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, या फिर सरचार्ज, या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को तो हटा ही दो। इनकम टैक्स तो हमारा जनरली टैक्स ही होता है, ठीक है, जिसके अलग अलग स्लैब्स होते हैं उसके ऊपर बनता है। फिर हमारा आता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है, इसको छोड़ो भी, सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है हमारा, सरचार्ज जो होता है ये होता है हमारा टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। बट एक चीज है सरचार्ज में, जो कि सेस से अलग होती है। सरचार्ज का मतलब ये होता है कि आपकी जब इनकम एक डेफिनेट जो भी कुछ हमारी गवर्नमेंट डिफाइन करती है, अगर उससे ऊपर है, तभी आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कभी भी कम इनकम या फिर कम इनकम टैक्स के ऊपर नहीं लगता। तो जनरली अगर बोला जाए तो सरचार्ज जो है ये अमीरों के ऊपर एक टैक्स है, ठीक है। ये किसके ऊपर टैक्स है, जितने हमारे
रिच पीपल हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर टैक्स लगता है, गरीबों के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। तो अगर हम बात करेंगे सेस की, तो सेस जो है हमारा ये लगता है हमारा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर, ठीक है, ये भी हमारा टैक्स ऑन टैक्स होता है। अ सेस इज इम्पोज्ड ऑन एन एडिशनल टैक्स बिसाइड्स द एग्जिस्टिंग टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। फिर हमारा क्या आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 31 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। देखो एक आपको अच्छा से एक वो बताता हूँ लॉजिक क्वेश्चन करने का। कभी आपको पेपर में क्वेश्चन फंस गया, ठीक है, लॉ का किसी भी चीज़ का, कोई भी एक, मतलब कभी कोई भी पेपर, ठीक है, सिर्फ इसी का नहीं, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन फंस गया जिसमें आपको सेक्शन 2 दे रखा है, सेक्शन 2 दे रखा है, बट आपको आ नहीं रहा कि ये क्या है, किसी ने पूछा हुआ है उसमें, जैसे नीचे पूछ लिया कि ऑडिटर की ड्यूटीज पूछी हुई हैं, हाँ, किसी ऑडिटर की डेफिनेशन पूछ ली है, या फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ ली हैं, या फिर ऑडिशनल के क्या कहते हैं हम लोग उसको, अपॉइंट करने का तरीका पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो एक बात आप लोग यहाँ ध्यान में रखना, अगर आपको नहीं आता ये वाला क्वेश्चन और सेक्शन 2 बोला हुआ है, तो सेक्शन 2 ज़्यादातर डेफिनेशन ही पूछता है, मतलब कि उनकी परिभाषा को ही डिफाइन करता है सेक्शन 2। तो अगर आपको नहीं आता तो आप ये तुक्का लगा के आ सकते हो, अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए तो, ठीक है। तो अब इस वाले केस में हमसे पूछा गया था कि सेक्शन 2 में पर्सन डिफाइन किसको नहीं किया गया, तो ये भी मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था। इंडिविजुअल होता है, HUF हमारी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो होती है, कंपनी तो होती होती है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो जो एक माइनर जो है इसको पर्सन डिफाइन नहीं किया गया, मतलब इसके ऊपर इंडिविजुअल टैक्स नहीं लगेगा, माइनर का अपने पेरेंट्स की इनकम के साथ में जो होता है उसके साथ में इसकी इनकम को ऐड कर दिया जाता है। और एक बार मैं आपको एक और चीज़ बताऊं आपको क्या है इसमें, तो देखो एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपको बोला गया कि जैसे कोई माइनर है ए, ठीक है, क्वेश्चन आया, मानो कि कोई माइनर है ए और इसकी इनकम है 5 लाख रुपीज़, ठीक है, इसकी मम्मी है बी, इनकी इनकम है मानो कि 10 लाख रुपये, जब भाई बच्चा 5 लाख कमा सकते तो मम्मी तो 10 लाख कमा ही सकती है ना, और सी इनके पापा हैं जिनकी इनकम है 8 लाख रुपीज़। अब आप मुझे ये बताओ कि ए की इनकम किसके साथ में ऐड होगी, बी के साथ में या फिर सी के साथ में, असेसमेंट करने के लिए। हाँ ये क्वेश्चन मुझे नीचे कल कमेंट में चाहिए और बच्चे मुझे आंसर देंगे, ठीक है, कल मैं आपको इसको बता दूंगा। तो अब आते हैं हमारे जिन बच्चों ने सही सही आंसर दिया, तो सही आंसर देने वाले बच्चे अच्छे हैं। तो डायनो मैंने आंसर दिया कि ये हमारा जो क्वेश्चन है 1 वाला स्टार्ट फ्रॉम 31/3/2019, हाँ, एंड विल एंड ऑन 31/3/2019, सही बात है, यही होगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज ये भी सही है, माइनर भी सही है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 1/4/2018 से लेकर के एंड ऑन 31/3/2019 सही है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, नहीं ये वाला आंसर गलत है आपका बेटा, ये आप सही कर लेना इसको, ठीक है। इसका आंसर जो होगा हमारा 31/3/2019 से लेकर के 31/3/2019 ही होगा, ठीक है, इसी टाइम पे लगेगा इसका, फिर माइनर, अगर मतलब इसका चार्ज सी एस ये नहीं बताता तो मैं भी इसका आंसर यही वाला लगाता, 1/4/2018 से लेकर के 31/3/2019। बट हाँ देखो इसके अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी जो होगी ना, कि टैक्स रेट कितना लगना चाहिए, तो वो यही वाला लगेगा, कौन सा, 2018 से 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बट इसका जब हम लोग असेसमेंट ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो वो ये वाला लग जाएगा। फिर हमारा क्या आता है फर्स्ट का ए, ठीक है, ये आंसर बेटा आप देख लेना, सही कर लेना इसको। सेस एक टैक्स पर टैक्स है जो टोटल पे भी टैक्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप के टैक्स पर लगाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसके एग्जांपल से हेल्थ सेस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है, रोड टैक्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि कोई भी अगर हमारा सेस है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, इसमें उसका जो यूज़ जो है, मतलब कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरचार्ज और सॉरी सरचार्ज नहीं, टैक्स में और सेस में डिफरेंस क्या है, तो भैया टैक्स जो होता है आपका ये गवर्नमेंट किसी भी उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपका जो भी टैक्स है, मानो कि आपने अगर 20,000 रुपये टैक्स पे किया है तो इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर ही, या फिर आपको बताएगी कि मैं इसको एजुकेशन के ऊपर यूज़ करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है जब हम लोग अपना सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मानो कि गवर्नमेंट ने अगर आपसे 20,000 रुपये सेस को कलेक्ट कर लिया, तो अब ये अगर हेल्थ सेस के नाम पर गया है, ठीक है, तो आपसे ये 20,000 रुपये हेल्थ के ऊपर ही खर्च होगा, ये गवर्नमेंट अपने किसी भी एजुकेशन या फिर अगर बोले तो सैनिटरी या फिर अगर बोले तो एग्रीकल्चर, इनके ऊपर यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, ये बात इन्होंने लिखी थी, बिल्कुल सही बात थी। गवर्नमेंट द्वारा इनका यूज़ केवल विशेष कार्य के लिए किया जाना चाहिए, जैसे कि इनके किया जा सकता है, ठीक है, जिसके लिए चार्ज किया गया उसी के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात थी। फिर को इन्होंने 3 का आंसर दिया डी, इनकम टैक्स 1995
1985 की सेक्शन 2 सब सेक्शन के अनुसार एक पर्सन निम्नलिखित में से हो सकता है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन, माइनर नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात। माइनर जो होता है वो कि हमारा जो पर्सन जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, उसकी इनकम किसके साथ में इंक्लूड की जाएगी, उसके पेरेंट्स के साथ में, और वो अब आपको मुझे बताना है कि कौन से वाले पेरेंट्स के साथ में, जिसकी इनकम 10 लाख है या जिसकी इनकम 8 लाख है। ठीक है, हाँ, तो वेरी गुड बेटा, आप तीनों लोग बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो, वेरी गुड। चलो अब आता है क्या हमारा रिन्यूएबल ऑफ बिल्स। तो रिन्यूएबल ऑफ बिल्स, हमने डिसओनर ऑफ बिल्स देख लिया था, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी एंट्रीज कर ली थी, अब हमारा आता है रिन्यूएबल ऑफ बिल्स। देखो होता क्या है, छोटी सी कहानी सुनो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ए था, बी था, वही सिंपल सी बात, ए सेलर है, बी परचेजर है, इसने इसको दिया, इसने इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, 3 महीने होने वाले थे, ये इसके पास में अपना बिल लेके जा ही रहा था। ठीक है, इसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, अब तो मतलब सेल्फ स्टार्टर है, ठीक है, सेल्फ स्टार्टर से स्टार्ट किया। ए ने, उसने देखा कि यार ए भागता हुआ आ रहा है, ए बड़ा, वो बी भागता हुआ आ रहा है उसके पास में अपने स्कूटर से, खटखट खटखट खटखट। ए ने उसको देख के बड़ी खुशी हुई, ए ने बोला यार ये तो खुद ही पैसा लेके मेरे पास में आ गया, मुझे तो जाने की जरूरत भी नहीं, चलो चलो इतना महंगा पेट्रोल, पेट्रोल के पैसे बच गए। पर होता क्या है कि ए जब बी को देखता है तो बहुत खुश होता है, ए बी को अपने घर में बुलाता है, बी का थोड़ा चेहरा टेंस होता है। ठीक है, ए पूछता है भैया तुम तो मेरे पैसे देने के लिए आए, तुम इतने ज़्यादा टेंस क्यों हो। बी बोलता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। ए को बड़ी गुस्सा आती है, ए बोलता है क्या मैं तुम्हें इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दूं। बी बोलता है कि मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर मत करो, मैं आज अपने बिल को क्या करवाना चाहता हूं, रिन्यू करवाना चाहता हूं। ए ने बोला रिन्यू करवाना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ। इसने बोला कि पुराने वाले बिल को तुम फाड़ के फेंक दो, आज एक नया बिल बनाओ। ठीक है, पुराने वाले बिल को फाड़ के फेंक दो, आज एक नया बिल बनाओ और उसकी नई से एंट्री स्टार्ट करो। ठीक है, मैं इसके लिए, मुझे 2 महीने का टाइम दे दो और मैं तुमको उसको 2 महीने में पे कर दूंगा। ए ने बोला 3 महीने मैंने तुम्हें पहले दे दिए, 2 महीने फिर से दे दूं, 5 महीने तक मैं अपने रुपए फंसा के रखूं, मुझे क्या फायदा होगा। बी ने बोला कि तुम 5 महीने तक रुपए की चिंता मत करो, 3 महीने तो बीत गए जो कि मुझे रुपए देने थे, वो तो तुमने मुझे, वो तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, बट अब जो दो महीने जो बचे हुए हैं मैं इसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट पे कर दूंगा। ए को बड़े मन में लालच आ गया, ए ने बोला ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही यार, ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला, मैं तो 3 महीने के ऊपर भी इंटरेस्ट ले लेता। बी बोलता देखो भाई तुम 3 महीने के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि इतना तो हमारे बिजनेस में चलता है, तो लेकिन मैं तुमको 2 महीने का इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो ए ने बोला यार लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो बी ने क्या बोला, बी ने बोला कि मैं तुमको कुछ पैसे भी दे देता हूँ आज के टाइम पे, पर मैं इंटरेस्ट उतने ही पैसे पे दूंगा, कितने पे, जितने की बकाया होगी, ना कि उतने पे जितना का पूरा होगा। ए ने बोला बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि उतना तो पैसा तुम मुझे दे दोगे तुम उस पर इंटरेस्ट क्यों दोगे मुझे। तो बी ने बोला ठीक है भाई, तो मैं इस पर एग्री हूँ, मैं तुम्हें 12% के इंटरेस्ट पे इतना इतना अपना पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में सहमति बनी और इसके बाद में क्या होता है, ए और बी का एक नई एंट्री स्टार्ट हो जाती है जो कि एक नया बिल्स ऑफ रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई कन्फ्यूजन है इस चीज में कि रिन्यूएबल ऑफ बिल्स किस तरीके से होता है। ठीक है, आप देखो इसमें केसेस क्या क्या बन सकते हैं, थ्योरी वोरी बाद में पढ़ लेंगे ना, थ्योरी का क्या भी, थ्योरी तो एक लाइन की होती है, थ्योरी तो मैं आपको पढ़ाई दूंगा, बट सबसे पहले क्या समझना जरूरी है ना। तो देखो इसमें ये कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे ए को पैसा लेना है, ठीक है, बी से, अब बी या तो इसको इंटरेस्ट भी पे कर सकता है, ठीक है, या तो कर सकता है या तो नहीं कर सकता, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, या तो पार्शियल पेमेंट दे देगा या फिर नहीं भी दे सकता, ठीक है, या फिर यही दो कंडीशंस हो सकती हैं और कोई कंडीशन होती नहीं, कि मतलब या तो इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता। ठीक है, वो इन दोनों के सहमति की बात है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरेस्ट कितना कितना गिवन करेगा, आपको कितना कितना उसके ऊपर निकालना है। और फिर हमारे पे क्या आता है कि जो पेमेंट जो होगा वो पार्शियल पेमेंट करेगा, कितना पेमेंट देगा वो सबको आपके ऊपर क्वेश्चन पर डिपेंड गिवन होगा। तो देखो एक चीज मुझे बताओ आप, इसमें मानो कि इसके ऊपर 30,000 रुपये बकाया थे, ठीक है, बी के ऊपर 30,000 रुपये इसको देने थे, बट इसने क्या किया, इसने ड्यू डेट पे इसको 20,000 रुपये दे दिए और 10,000 रुपये क्या किए, इसने कहा कि इसके लिए नया बिल्स ऑफ रिसीवेबल बना दो, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो इसने बोला ठीक है चलो बना देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट 20,000 रुपये लगेगा या 10,000 रुपये लगेगा या 30,000 रुपये लगेगा, तीनों में से किसी के ऊपर भी लग सकता है, पर आप मुझे बताओ इनमें से किसके ऊपर लगेगा। तो इंटरेस्ट जो लगेगा बेटा वो इस पे नहीं लगेगा, 30 पे तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये तो पुरानी वाली एंट्री होगी, 20 पे क्यों लगेगा क्योंकि 20 की तो पेमेंट कर ही रहा है,
ठीक है, लगेगा तो उतने पे ना जितना ड्यू रहा होगा, ठीक है। तो 10,000 रुपये ड्यू है, तो इसके ऊपर मानो कि 12%, 10% जितना भी दे रखा है उसके हिसाब से इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट पेमेंट लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कि इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे और धड़ाधड़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं, रिन्यूएबल ऑफ बिल्स। ठीक है, रिन्यूएबल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन एक्ट इन विच एन ओल्ड बिल इज कैंसल्ड बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, क्या होगा, हमारे मैच्योरिटी से पहले जो हमारा ओल्ड, जो पुराना वाला जो बिल होगा उसको क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, इन रिटर्न फॉर अ न्यू बिल। और क्या किया जाएगा, एक नया बिल बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, इट इज परफॉर्म्ड बाय ड्रॉअर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ड्रॉइंग। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे कहानी सुनाई थी, बी भागता हुआ ए के पास में आएगा कि भैया मेरे बिल को क्या करो, कैंसिल कर दो, पर मेरे लिए एक नया वाला बिल बना दो, मैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, है ना। तो इस तरीके से यही चीज लिखी हुई है हमारी डेफिनेशन में भी, और कुछ है नहीं बड़ा इसमें। हिंदी में अगर पढ़ ले, बिल ऑफ एक्सचेंज का नवीनीकरण एक ऐसा अधिनियम है जिसमें एक पुराने बिल को एक विस्तारित अवधि के लिए ब्याज सहित नए बिल के बदले परिपक्वता से पहले रद्द कर दिया जाता है, मतलब मैच्योरिटी से पहले रद्द कर दिया जाता है। और यह एक दराज, मतलब दराज नहीं, यहाँ पर ड्रॉअर होना चाहिए, तो हिंदी ऐसी कर देता है, ठीक है, ड्रॉअर द्वारा एक अदाकर्ता के अनुरोध पर किया जाता है। मतलब इसका यह है कि ड्रॉअर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जब ड्रॉई उसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे बिल को आप रिन्यू कर दो, तभी वो रिन्यू कर सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब चले आगे, इसके अब एंट्रीज को देखेंगे और फिर उसके बाद में इसके क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो प्रोसेस क्या होती है रिन्यूएबल की, तो प्रोसेस जो होती है हमारी ये होती है, द ओल्ड बिल इज कैंसिल्ड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले बिल को सबसे पहले कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पुराना वाला बिल कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, द एंट्री मेड फॉर पार्शियल पेमेंट ऑफ द बिल इंक्लूडेड इंटरेस्ट इफ पेड इन कैश। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको कभी भी पार्शियल पेमेंट मिला या फिर इंटरेस्ट मिला, इफ है, ठीक है, इफ पेड इन कैश है, तो हम लोग उसकी एंट्री कर देंगे, एंट्री मेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट इफ नॉट पेड इन कैश। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अपनी एंट्री को कर देंगे किसके लिए, चार्जिंग इंटरेस्ट के लिए, अगर क्या है कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो कैश में पेमेंट नहीं किया गया। एंट्री फॉर ड्रॉइंग अ फ्रेश फ्रेश बिल फॉर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो जितना भी अमाउंट हमारा बचा है आउटस्टैंडिंग से, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए फ्रेश एंट्री को कर देंगे। चीज समझ में आ गई, एक कहानी सुनाई और फिर उसके बाद में पूरा एक बार समझा दी। ठीक है, पुराना बिल रद्द कर दिया गया है, ठीक है, पुराने वाले को रद्द कर देना, नगद में भुगतान किए जाने वाले किए जाने पर ब्याज सहित बिल के आंशिक भुगतान के लिए की गई प्रविष्टि करनी है हमको, मतलब उसकी एंट्रीज करनी है, नगद भुगतान नहीं करने पर ब्याज वसूलने की एंट्री और बकाया राशि का नया बिल निकालने की एंट्री। भाई इसकी तो करोगे ही करोगे ना एंट्री, तो अगर इसकी एंट्री नहीं करोगे तो क्या ही होगा। तो सबसे पहले देखो, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज को कि क्या क्या एंट्री होंगी सर और कैसे कैसे होंगी। तो सबसे पहले तो यही वही वाली एंट्री होगी, सेल और परचेज वाली, है ना, जो कि नॉर्मली होती है। फिर ये क्या हो गया, हमारा पुराना वाला जो बीआर थे, मतलब कौन से वाले, ओल्ड वाले बीआर और बीपी, ये एंट्री होगी। बट अब हमको क्या करना है, अपने पुराने वाले बिल को कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिलिंग द ओरिजिनल बिल, तो जो ओरिजिनल जो बिल था आपका, आप देखो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो रिवर्स एंट्री करोगे ना कैंसिल करने के लिए, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो चीज क्रेडिट हुई थी उसको डेबिट और जो चीज डेबिट हुई थी उसको क्रेडिट, डेबिट टू बीआर हो जाएगा इसके अकाउंट में। तो अब देखो, अब इसका जो ड्रॉई जो था वो क्या हुआ, फिर से इसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई एक और, है ना, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जबकि अगर ये करता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट हो जाना था, बट अब क्योंकि कैश हमारा नहीं आया तो हमको कैंसिल करना है, तो इसके लिए इसके रिवर्स कर देंगे। तो इस वाले केस में जो ड्रॉई की जो बुक होगी उसमें क्या होगा, हमारा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, अब फिर से इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई और यहाँ पे ये फिर से इसका एसेट बन गया, डेटर बन गया पेमेंट के लिए। अब हमारा आता है इफ इंटरेस्ट इज पेड। ठीक है, अगर इंटरेस्ट को पे किया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और जब इसने अपने इंटरेस्ट को पे किया तो क्या जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट टू, ये क्या था हमारा, ड्रॉअर्स अकाउंट। क्यों हो रहा है इंटरेस्ट यहां पे क्रेडिट और यहां पे इंटरेस्ट डेबिट क्यों हो रहा है, देखो ड्रॉई के लिए तो ये एक एक्सपेंस है ना, उसका तो लॉस हो गया, उसको इतना खर्चा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया। लेकिन इसके लिए तो भैया एक लाइबिलिटी है, इसको तो वसूलना है, तो इसने क्या किया, इसको
इसने इसको क्रेडिट कर दिया, मतलब इसके लिए तो एक फायदा भी है ही, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, इफ एनी पेमेंट इज मेड, अगर कोई भी पेमेंट को मेड किया जाता है तो, मतलब कि पेमेंट उसने दे दी, उसने पार्शियल अपनी पेमेंट दे दी है, ठीक है, पार्शियल अमाउंट दिया, तभी तो नया बिल होगा ना, अगर पूरा का पूरा अमाउंट ही दे देगा तो फिर तो नया बिल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल कैंसिल भी नहीं होगा। इफ है, ठीक है, इफ एनी पेमेंट इज मेड, अगर पेमेंट मेड नहीं होती, मतलब किसी भी तरीके से पेमेंट को नहीं करते, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते, फुल अमाउंट से ही उतना का उतना बिल को ड्रॉ कर देते, ठीक है। तो पार्शियल है, तो जब कैश आएगा इसके पास में तो कैश अकाउंट तो डेबिट ही हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ड्रॉई, तो ड्रॉई हमको दे देगा ना उतने उतने पैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉअर्स अकाउंट, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी है, डेबिट टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कैश, क्योंकि हमारा कैश क्या हुआ, कम हुआ है, ठीक है। अब क्या आएगा, न्यू बिल ड्रॉन, तो न्यू बिल जब ड्रॉन होगा तो वो सेम टू सेम पहले जैसी एंट्री हो जाएगी, क्या, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइस अकाउंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बीपीएल। कोई कंफ्यूजन, कुछ भी एक ऐसी एंट्री जो आपको इस वाली क्लास में या इस वाली अभी जो तक जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, कोई भी एक ऐसी चीज तो मुझे बता दो भी यार, इतना इजी करके पढ़ेंगे तो भाई सब कुछ ही समझ में आएगा ना, कुछ रहेगा थोड़ी। अभी हमारा हो गया क्या, बिल्स ऑफ पेमेंट, अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या कहता है, ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर 10,000, ए ने क्या किया, बी को कुछ गुड्स सेल किए, कितने के, 20,000, 10,000 रुपए के, ठीक है। तो ए ने जब सेल किया तो ए क्या हमारा ड्रॉअर है और ये क्या हमारा ड्रॉई है, ठीक है, ये हमारा वो है डेटर क्रेडिटर, ये वाला रिश्ता हमारा बन गया। एंड ड्रॉस अ बिल, ठीक है, हिल नहीं बिल है, ऑन हिम फॉर द अमाउंट फॉर 3 months, ठीक है, और कितने, 3 महीने के लिए उसको दे दिया। तो ए ने बी से कहा, आज ये बी ने ए से कहा, मैं तुमको 3 महीने बाद पैसे दूंगा, ये लो बी आर, 3 महीने तक मेरे पास में आना नहीं। ए ने बोला ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 महीने होंगे मैं तुम्हारे यहाँ पे आ धमकूंगा, ठीक है। बिफोर द ड्यू डेट, पर जिससे पहले कि ए बी के पास में जाता धमकने, बी ए के पास में आ गया, बी ने बोला कि भैया ये 72,000 नहीं, ये होगा हमारा 7,200 होगा ना, क्योंकि ये तो 10,000 रुपया हमारा, ठीक है। ए ने बी से, बी ने ए से बोला कि मेरा जितना ही बिल था उसको क्या कर दो, उसको कैंसिल कर दो, मैं उसके बदले में तुमको कितने दे रहा हूँ, एज अ पार्ट टाइम एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हिम फॉर 7,200, ठीक है। आज तुम मुझसे बकाया पैसे ले लो, पर मेरे ऊपर कितना, 7,200 का तुम बिल चढ़ा दो, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, यहाँ पे एक मिनट रुको, ये होना था यहाँ पे 3,000 रुपये होगा, ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 3,000 रुपये होगा, कि बी ने ऐसे बोला कि तुम मुझसे 3,000 रुपये ले लो और एक फ्रेश बिल बना दो, कितना, 7,200 का, ठीक है। तो ए ने बी से बोला यार तुम्हारे रुपये तो मेरे ऊपर 10,000 थे, 3,000 रुपये तुम मुझे दे रहे हो, 7,200 रुपये का बिल बनवा रहे हो, ये 200 रुपये क्या है, ये 200 रुपये क्या है। तो बी ने ऐसे बोला, मैं तुमको भैया इंटरेस्ट भी तो दे रहा हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे 2 महीने के लिए मोहलत मांगने के लिए आया हूँ। ए बड़ा खुश हो गया, ए ने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम मुझे 200 रुपये दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ए उसके लिए मान गया, ए ने क्या किया, ए एग्री टू द प्रपोजल, द न्यू बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसकी जो थी जनरल एंट्रीज को पास करना है। अब सबसे पहले हम लोग किसकी बुक में करेंगे भाई, ए की बुक में करेंगे, ठीक है, जो देनदार है, एज बुक आ गई। तो अब मैं आपको, चलो ठीक है, करवा देता हूँ सेल्स वगैरह की एंट्री, तो मेरे ख्याल से अब आपको आई गई होगी, ठीक है। तो बीस अकाउंट डेबिट कितने से, टोटल 10,000 से करेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसको फिर वो नहीं कर रहा, बीस अकाउंट डेबिट टू बी आर, अब मैं इसको डायरेक्ट वो कर दे रहा हूँ क्या अपने उसको, मतलब चलो ठीक है, बी आर की एक पहले एंट्री बना देता हूँ, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, ठीक है। बीस के ऊपर क्या हुआ, लाइबिलिटी चढ़ गई, कितने की, 10,000 रुपये की, ठीक है, ये हो गया हमारे 10,000 रुपये का। बट अब क्या होता है, जब हमारा ये हो जाता है, फिर हमारे यदि है 20, अब हमको इसको क्या करना, अपने कैंसिल करना है। जब आया ये भागता भागता कि भैया 2 महीने बाद ही, तो अब हमको क्या करना है, इसको कैंसिल अपने करना है। तो जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल की एंट्री अलग पेन से करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गई थी हमारी नॉर्मल वाली एंट्रीज, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी कैंसिलिंग की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल की एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है। तो कैंसिल की एंट्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 20 अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब कैंसिल कितने का होगा, कैंसिल तो भैया पूरे 10,000 रुपये का ही हो जाएगा बिल,
ठीक है, कैंसिल 10,000 रुपये का हो गया। बट अब इसने क्या किया, इसने कुछ कैश पेमेंट किया था, तो मैंने आपको कैश पेमेंट की क्या एंट्री बताई थी, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो हमारा एसेट है, जब बढ़ेगा तो फ्री हो जाएगा, टू बीस अकाउंट। अब बी हमारा इतने से उसकी तो देनदारी कम होगी ना, 3,000 रुपये से उसकी लाइबिलिटी कम हो गई, ठीक है, तो 3,000 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, कैंसिलिंग की ये एंट्री थी। फिर उसके बाद में अब क्या करेगा, अब ये करेगा उस पर अपना नया बिल चढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले ये क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अपना बिल की इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, ठीक है। तो 20 अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना था हमारा, 200 रुपये था, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट अलग से लिख के नहीं दिया था, बट आपको इसमें समझ में आया ना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं भी वाली लाइन नहीं भी देता, कौन सी वाली, वाली लाइन नहीं भी देते, तो भी आपको समझ में आता कि 7,200 रुपये दे रहा है, 10,000 के बदले में, मतलब 10,000 रुपये देने थे, बट दे कितने रहे, 10,200, तो 200 रुपये जो है वो क्या है, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की तरह ही लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या किया, हमने 200 रुपये से इसकी एंट्री कर दी। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका हम लोग अपना फ्रेश इसके लिए बीआर निकाल देंगे, अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फिर से वही वाली एंट्री होगी ना, 20 अकाउंट, ठीक है, कितने से हो जाएगी, अभी अभी हो जाएगी हमारी 7,200 से, अभी इसने पेमेंट नहीं किया ना, ये पेमेंट जब देगा जब मैच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, ये कब है, जब उसकी पेमेंट फाइनली हो गई हमारी अकाउंट में, जहाँ हमने उसके अकाउंट को क्या किया, खत्म कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो होती है पेमेंट मेथड जो होते हैं, ये हमारे बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गई एंट्रीज। सबसे पहले ये वाली एंट्रीज हमारी वो जनरल वाली एंट्रीज हैं जो नॉर्मली होती हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, अपने एक फ्रेश बिल को इसमें क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, जब हमारा एक फ्रेश बिल बनता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, जब बिल को अपने कैंसिल करते हैं तब ये वाली एंट्री करते हैं, फिर जब उसके बदले में कुछ वो पेमेंट कर देते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट कर देते हैं, और जब वो इंटरेस्ट पे करता है तो उसके लिए 20 अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और फिर उसके बाद में फाइनल में उसका एक नया बिल निकाल करके उसके लिए एंट्री करते हैं। अब हमारी बुक में आता है बी के लिए एंट्रीज, ठीक है। अब किसकी एंट्री आती है हमारी बुक में, बी की। तो बी के लिए भी देखो लगभग एंट्रीज उतनी ही रहेंगी, अभी ये वाला मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा आई थिंक ये, ठीक है। तो बी के लिए भी पहले परचेजेस की एंट्री आएगी, कौन सी वाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। सबसे पहले एंट्रीज लिखते जाते हो ना, फिर बाद में ऐसे याद नहीं रहेंगी, भूल जाओगे, हाँ एंट्रीज लिखते जाना। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, ठीक है, इसको नहीं कर रहे अब, लेकिन जो प्रीवियस वाला जो बिल था वो कर देते हैं, क्या होगा, एस अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए तो वो बिल्स पेबल है ना, क्योंकि इसकी तो लाइबिलिटी है, ठीक है, कितना होगा, 10,000 रुपये था। पर आप क्या करेगा, ये तो होगी इसकी प्रीवियस वाली एंट्री, ठीक है, प्रीवियस वाली एंट्री होगी। अब हम लोग करेंगे इसकी कैंसिल वाली एंट्री, ठीक है। तो कैंसिलेशन की इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, ठीक, इसका रिवर्स हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, ठीक है। तो हमने पूरी की पूरी इसकी एंट्री कैंसिल कर दी 10,000 रुपये की। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा एक फ्रेश एंट्री। तो फ्रेश एंट्री में क्या किया, देखो सबसे पहले तो इसने क्या किया, अपने ए को क्या किया है, ए के अकाउंट को इतने से कम करेगा, कितने से, 3,000 रुपये के जो इसने पेमेंट करी थी, टू यहाँ पे क्या करेगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से पेमेंट करी है, फिर बैंक से जैसे भी करी होगी, ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में क्या कर रहा है, ये इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट भैया इसके लिए तो एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट दे किसको रहा है, टू एस अकाउंट, ये कितने का दिया इसने, 200 रुपये का, ये ली एंट्री समझ में आती है। फिर उसके बाद में क्या करता है ये, फिर उसके बाद में अब ये देता है एक नया बिल, ठीक है। तो जो नया बिल देगा, एस अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, ठीक है, डेबिट है हमारा, और नया बिल कितने का देगा, अभी ये 7,200 का, जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, इसने अभी पेमेंट नहीं की। फिर लेकिन एट लास्ट में जब ये क्या करता है, जब ये पेमेंट उसकी कर देता है 2 महीने बाद, तो उसकी एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से हो जाती है, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7,200 रुपये, ठीक है। तो 10,000 तो नहीं होगी, क्योंकि इसने 3,000 रुपये उसमें पेमेंट कर दी है, तब समझ में आ गया, हाँ ठीक। अब इसके बाद में आता है हमारा एक स्पेशल केस, रिटायरिंग अ बिल अंडर अ रिबेट है। तो बिल अंडर अ रिबेट में हम लोग क्या करते हैं कि, मतलब आपने क्या किया, आप लोग गए, ठीक है, आपने उसे 3 महीने की मोहलत मांगी थी, तो आपने क्या किया, जब उसे 3 महीने की मोहलत मांगी थी तो आपने क्या किया, उससे जब 2 महीने बढ़ा लिए, ठीक है, तो 2 महीने आपने बढ़ा लिए थे पहले, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसे 1 महीना कम करवा रहे हो,
कि मतलब मैं तुम्हें जल्दी से पेमेंट कर दूंगा, पर क्या तुम मुझे उसके बदले में कुछ फायदा दे दोगे? तो भैया कि पैसा किसको नहीं अच्छा लगता, वो आता वो पैसा है ना। तो इसने कहा ठीक है, तुम मुझे अभी पेमेंट कर दो और मैं तुम्हें 200 रुपये का क्या करूंगा, रिबेट दे दूंगा। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, उस वाले केस में हम लोग उसको रिबेट दे देते हैं। तो रिबेट में क्या होता है कि जो हमारे जो ड्रॉअर जो होता है उसका नुकसान होता है, और जो ड्रॉई जो होता है उसका क्या होता है, फायदा हो जाता है इस वाले केस में। लेकिन जबकि डिसऑनर के केस में, या फिर डिसऑनर नहीं बोलेंगे, जो रिन्यूएबल ऑफ बिल्स जब होता है, तो उस वाले केस में फायदा किसका होता है, उस वाले केस में फायदा होता है ड्रॉअर का, और जबकि नुकसान किसका होता है, ड्रॉई का, क्योंकि वो क्या करता है, वो ज्यादा पेमेंट उस वाले केस में कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, तो देखो इसकी कुछ एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री यही होती है, बीपी को हम लोग खत्म कर देते हैं अपने, जो एक्सेप्टर जो हुआ हमारा है ना, तो उसके केस में, और जो होल्डर जो है बिल का, मतलब ड्रॉअर और ड्रॉई के केस में, तो कुछ इस तरीके की एंट्री हो जाती है क्या। तो देखो ये तो हमारा जो ड्रॉई जो था वो क्या करेगा, वो अपने बिल्स पेबल को खत्म कर देगा। तो बिल्स पेबल की एंट्री क्या होती थी, डेबिट करते थे बिल्स पेबल को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, बीपी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कुछ इसने अपना कैश दिया, कैश अकाउंट टू, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा रिबेट। ठीक है, रिबेट, देखो रिबेट यहां पे क्रेडिट क्यों हो, क्योंकि इसके लिए तो ये एक तरीके से गेन है ना, इसके लिए तो फायदा ही है ना ये, तो हमने क्रेडिट कर दिया। और ड्रॉवर के लिए देखो ये नुकसान है ना एक तरीके से, तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा रिबेट अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी आर। अब बी आर को हम लोग खत्म कर देंगे, और यहाँ पे फुल अमाउंट से आ जाएगा, और यहाँ पे जितना इसने डिस्काउंट दिया वो आएगा, और यहाँ पे जितने इसको कैश रिसीव होगा वो आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, थ्योरी पढ़ा देता हूँ, चलो इसकी भी बता दूं आपको डेफिनेशन। द ड्रॉअर ऑफ द होल्डर में एग्री टू प्री पेमेंट, ठीक है, ड्रॉअर जो होता है वो क्या कहता है, प्री पेमेंट के लिए एग्री कर जाता है। अगर दिस इज कॉल्ड द रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन ऑर्डर टू इनकरेज द ड्रॉई टू पे द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट, द ड्रॉअर गिव्स हिम अ डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज रिबेट ऑन बिल्स। ठीक है, बस यही होता है, इसकी यही एक एंट्री हो जाती है, पूरी पूरी एंट्री यहां तक होती, जैसे नॉर्मल जो एंट्री हमारी चलती है ये वाली कहाँ गया, ठीक है, यहां तक होती। और फिर इसके बाद में क्या करते हैं, बीआर का जब पेमेंट की बात आती तो यहाँ पे क्या कर देता, कैश अकाउंट डेबिट कर देता, क्योंकि इसको कैश रिसीव हो जाता, और यहाँ पे एक रिबेट और जुड़ जाता बस। ठीक है, समझ में आता है ना। ठीक है, अब रिबेट हो गया। अब हमारा आता है क्या, इंसॉल्वेंसी का केस। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा केस जिस वाले केस में हमारा जो ड्रॉई जो है, मतलब जिसको पेमेंट करनी थी, वो क्या कर जाए, वो भैया इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो उसका दिवाला निकल जाए। दिवाला निकलने का मतलब है कि उसकी कुर्की हो जाए, कुर्की होने का मतलब है कि उसके पास में पेमेंट देने के लिए कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, तो जब कुछ बचेगा ही नहीं पेमेंट देने के लिए, तो पेमेंट कैसे करेगा। तो देखो जब हमारा किसी कोई भी इंसान का जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, तो उस वाले केस में दो चीजें होती हैं, उस वाले केस में क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। तो देखो एक चीज ये होती है उस वाले केस में कि आपका जो इंसॉल्वेंट जो है, ठीक है, आपका जो ड्रॉई जो है, मानो कि जैसे 10,000 रुपये थे उसके ऊपर, ठीक है, बकाया, या तो वो पूरा का पूरा 10,000 रुपये ही खत्म कर देगा, ठीक है, या फिर वो मानो कि 5,000 रुपये दे देगा और 5,000 रुपये नहीं दे पाएगा, ठीक है, या फिर वो कितना भी हो सकता है अमाउंट, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो या तो फिर पूरा फुली ओमिट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा ही अमाउंट नहीं दे पाएगा, या फिर उसको कुछ पार्शियल जो अमाउंट होगा वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो जो पार्शियल अमाउंट नहीं दे पाएगा तो उसकी कुछ एंट्री होती है, और जब फुली अमाउंट नहीं दे पाता तो फिर वो तो फुली बैड डेट बन ही जाता है। तो यही हमारे बैड डेट्स होते हैं एक्चुअली में अगर बात बोली जाए तो। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट के केस में देखो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा पूरे का पूरा बिल चलता रहता है, ठीक है, डिसओनर ऑफ द बिल की जो एंट्रीज थी वहां तक पूरे का पूरा हमारा चलता है। अब इंसॉल्वेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ ये रहता है, ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होती है और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होती है। तो देखो ड्रॉअर की बुक में क्या होगा, अगर बिल्कुल भी कैश रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल भी कैश रिसीव नहीं हुआ, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइस अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसके केस में क्या हो जाएगा हमारा, ड्रॉअर्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉअर को भैया अब खत्म कर ही देगा ना ये तो, क्योंकि इसके में पैसे है ही नहीं, टू डेफिशिएंसी, और या फिर ये इसको पीएनएल अकाउंट में डाल सकता है। ठीक है, तो ये वाली एंट्रीज हो जाती है हमारे किसके, ड्रॉअर के केस में, ड्रॉई के केस में। अब सेकंड वाला हमारा केस आता है जब ये पार्शियल पेमेंट को कर सकता है। ठीक है, पूरी पूरी एंट्रीज वही चलती हैं, बिल्कुल वही एंट्रीज चलती है, बट लास्ट में क्या करता है ये, उसको पेमेंट के लिए जब होता है तब उसको डिसऑनर कर देता है। ठीक है, तो इस वाले केस में देखो जब भी कुछ अमाउंट दे देता है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बैड बैड डेट को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं,
बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे ड्रॉइस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू जितना भी ये कैश देगा उसको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डेफिशिएंसी टू पे, ठीक है। ये एंट्री रहती है बस इसकी, कोई और एंट्री है नहीं इसमें, यही रहेगा कि लास्ट में मतलब फिर वो क्या करेगा, वो अपने थकार के अकाउंट को क्लोज कर देगा कि भैया ठीक है तुझसे पैसे नहीं मिलने, तू जा यार काम कर अपना। अब ये आता है हमारा लास्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये, अब हम लोग इसका मतलब फिनिश ही करेंगे अपने, किसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा क्वेश्चन डाला हुआ है पूरा का पूरा। तो कहता है अजय परचेस्ड गुड्स ऑफ विजय फ्रॉम विजय, ठीक है। अजय ने क्या किया है, गुड परचेस किससे किया है, विजय से। तो विजय इस वाले केस में क्या हमारा ड्रॉअर है, ठीक है, और ये कौन है, हमारा ड्रॉई है, मतलब ये हमारा बिल बनाएगा और ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। फॉर 2000 ऑन 1 जनवरी 2011 ही एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने के लिए उसको क्या किया, बिल को दिया है ऑन हिम ऑन बाय विजय ऑन द सेम डेट। ऑन 4 जनवरी 2011 क्या होता है, विजय गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक। तो विजय ने क्या किया, अपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया किसके साथ, बैंक के साथ में, कितने परसेंट पे, 18% पे, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। एट मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बट क्या होता है, जब मेच्योरिटी होने का टाइम आया तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्जेस भी पे किया गया, कितने रुपये, 15 रुपये। हाउ एवर विजय एग्री टू रिसीव अ सम ऑफ 575 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 60 फ्रॉम अजय इन कैश एंड प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि भैया तुम मैं मतलब तुम मेरे को कहीं जाके केसेस मत करो मेरे ऊपर, मैं तुमको 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे को उसके ऊपर कितना, 60 रुपये का क्या दूंगा, इंटरेस्ट भी पेमेंट करूंगा। तो उसमें ठीक है, फ्रॉम द अजय इन कैश एंड 2 प्रोमिसरी नोट फ्रॉम 1 for 500 एंड 3 and other for 3 months for 1000 रुपीज, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा, देखो इसमें तीन चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो एक कैश देगा, ठीक है, कितने का, 575 का। फिर ये देगा एक बीआर, वो कितने का रहेगा, 500 का, और जबकि एक देगा ये 1 मंथ के लिए, ठीक है, और एक देगा ये, इसको BR1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं BR2, ठीक है। और ये कितने मंथ्स के लिए देगा, ये देगा 3 मंथ्स के लिए, और ये कितने का रहेगा, 1000 रुपीज़ का। 2000 रुपीज़ की इसकी टोटल लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब ये कितना रुपये दे रहा है, 60 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो 15 रुपये क्या है, 15 रुपये जो है नोटिंग चार्जेज हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा का पूरा, क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई, दिमाग खराब कर दिया इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। फिर ये क्या कहता है, द फर्स्ट प्रोमिसरी नोट वॉज फिल्ड ऑनर्ड बट द सेकेंड प्रोमिसरी नोट वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू अजय इंसॉल्वेंसी, विजय कुड रिकवर 30% ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। लेकिन क्या होता है, ये फर्स्ट वाला अमाउंट जो होता है ये उसको पेमेंट कर देता है, बस सेकंड वाले अमाउंट के टाइम पे वो डिसऑनर्ड हो जाता है और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, लेकिन वो उसका कितना, सिर्फ और सिर्फ 30% ही रिकवर कर पाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो है, लेकिन करेंगे भाई, आया है तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले किसकी बुक में एंट्री करें, सबसे पहले अपने लोग एंट्री करते हैं विजय की बुक में, ठीक है, ड्रॉवर की बुक में कर देंगे, इसको वी लिख देते हैं, वीज बुक हो गया, ठीक है। वी की बुक में आप कैसे एंट्री होगी, तो देखो सबसे पहले वो सेल्स वाली एंट्री होगी, या सेल्स वाली एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है। फिर पहले वाला बीआर निकाला जाएगा, ठीक है, उसकी भी एंट्री नहीं कर रहा। अब मैं करता हूँ आपकी डायरेक्ट एंट्री किसके साथ, जो कि ये बैंक डिस्काउंट करवाएगा, है ना, वो वाली एंट्री तो आप कर लोगे ना, अजय अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या और फिर उसके अंदर बीआर अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, है ना, ये तो कर ही लोगे। अब मैं आपको करवाता हूँ डायरेक्ट एंट्री बैंक से, जब ये डिस्काउंट करवाएगा, ठीक है, बड़ी बड़ी वाली एंट्री। तो जब ये बैंक से डिस्काउंट करवाने के लिए जाएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंटिंग को चार्जेस पेमेंट करेगा ये डेबिट टू, यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा बीआर हो जाएगा, बीआर को यहां पे खत्म कर देगा, ठीक है। तो देखो बैंक ने कितना इसको 18% का क्या किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, तो देखो 18% का अगर इंटरेस्ट लगाया तो सबसे पहले तो यहां पे इसको 2000 रुपये लिख दो, यहाँ पे एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसके पे इंटरेस्ट लिखाया जाता है। तो देखो बैंक ने कितने, 2000 रुपये थे, ठीक है, पूरा का पूरा, बट और इंटरेस्ट हमको कितना गिवन था इस पे, 18% का, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। पर इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए लेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए तो लेगा ना, क्योंकि बिल तो हमारा 2 महीने के लिए था,
है ना, उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि जितने दिन का हमारा बिल होगा उतने दिन का इंटरेस्ट ले सकते हैं ना, पूरे साल भर का थोड़ी। तो 2 महीने का अगर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2/2, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना, 6, 6 कटा 3, और ये से गया तो कितना होगा, 60 रुपये हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हो गया हमारा, 60 रुपये, और तो बाकी कितना बचा, 1940 रुपये। तो बैंक ने इसे एक्चुअल में कितना पेमेंट दिया, 2000 के बदले में बैंक ने इसे एक्चुअल में पेमेंट दिया हमारा 1940, और जबकि इसके बिल कितने का खत्म हुआ, 2000 रुपीज़ का। ठीक है, अब क्या होता है, अब बिल बैंक बोल देता है कि भैया मैं वसूल लूंगा, तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ऑन ड्यू डेट जब बैंक वसूलने के लिए जाता है तो बैंक क्या करता है, बैंक देखता है क्या, बैंक देखता है कि भैया ये तो पेमेंट कर ही नहीं रहा, तो बैंक उसको नोटिंग करवाता है। तो जब बैंक नोटिंग करवाएगा तो वो किसके अकाउंट में जाएगा, हमारे इस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये कितने बचे, इसके बचे 2015 रुपये। 2 15 रुपये क्या इंक्लूड है इसमें, नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड है, बैंक तो अपने पूरे 2000 ही लेगा ना, वो उसको 1940 से क्या। ठीक है, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पेमेंट लेगा, ये कितना हो गया हमारा, 2015 रुपये। फिर उसके बाद में क्या आता है, हमारे योगी 2 एंट्रीज। फिर उसके बाद में क्या आएगा, आप देखो, अब जब अजय ने उससे बोला जाके, विजय से मतलब ए ने बी से बोला जाके कि भैया तुम मेरे अकाउंट को क्या करो, एक बार फिर से रिन्यू कर दो मेरे वाले उसको, तो उसने बोला चल ठीक है, तू अब इतनी ज्यादा मान ही रहा तो कर देता हूँ, पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, तो इसने क्या किया, अजय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ये कितना था हमारा, 60 रुपये, जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन ही था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करता है, ये कहता है कि भैया तू मेरे लिए एक नया बिल निकाल दे। हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं उसमें से 575 तेरे को पेमेंट कर रहा हूँ अभी, बाकी का 1500 रुपये का मेरे लिए नया बिल निकाल दे। तो इसने कहा ठीक है भाई ये ले, तो इसने क्या करता है, अब नीचे कर लेते हैं, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, बी आर फर्स्ट अकाउंट, इसको या तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं या फिर अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी आर सेकेंड अकाउंट डेबिट टू, अब लास्ट में हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अजय अकाउंट, क्योंकि अब अजय के अकाउंट को खत्म करेंगे इतने से। ठीक है, तो ये हमारा कितना था, कैश कितने का था, 575 रुपये दे रहा है। इसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड है, देखो सबसे पहले तो कैश इंक्लूड है 500 का, प्लस इसमें नोटिंग चार्जेस इंक्लूड है, प्लस इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, और एक जो पहला वाला तो 500 रुपये का था जो 1 मंथ के लिए था, फिर ये कितने रुपए के लिए था, 1000 रुपये का। अब टोटल इसका जो अमाउंट जो था वो कितने से खत्म हुआ हमारा, 2075 रुपये से। ठीक है, फिर जब ये क्या करता है, ये जब बी आर फर्स्ट लेके पहुंचता है तो उसकी वो पेमेंट कर देता है, तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर फर्स्ट, तो बी आर फर्स्ट कितना था, 500 रुपये। ठीक है, ये चीज समझ आती है। पर अब जब ये लेके जाता है कौन सा अपना दूसरा वाला अमाउंट, तो उस वाले केस में क्या होता है, हमारे 1000 रुपये का जो होता है वो चीज डिसऑनर हो जाती है। तो जब डिसऑनर होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये अजय के मतलब क्या करेगा, अजय तो ये बैड डेट बनी जाएगा। ठीक है, अजय टू बी आर मतलब उस 1000 रुपये को सबसे पहले खत्म करेगा, अपने खत्म कर दिया। अब ये क्या करता है, क्वेश्चन में देखो गिवन थी एक चीज कि आपको कितना, 30% ऑफ द अमाउंट जो था वो रिकवर हो जाता है। तो 30% किसका होगा, 2000 का, 1000 का, 500 रुपये का, 2075 किसका होगा भाई, जितना ड्यू होगा 1000 रुपये, जो कि हमारा कौन सा बिल नंबर 2 है, उतने का ही, उसी का 30% हमारा क्या होगा, वो रिकवर होगा ना, तो हमारा कितना, 300 रुपये इसमें से रिकवर हुआ, और बाकी का जो था वो क्या होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, फिर हमारा क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अजय अकाउंट। ठीक है, तो कैश कितना हमको, 300 रुपये रिसीव हुआ, 700 रुपये हमारे बैड डेट बन गया, और 1000 रुपये हमने क्या किया, अपने पूरा अकाउंट को खत्म कर दिया। ठीक है, ये एंट्री किसमें थी, विजेश बुक में थी। अब इस तरीके से अजय की बुक में भी ऐसी ही एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब वो उसमें देखो सेम टू सेम यही वाली एंट्री चलती रहेंगी सारी की सारी, बट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें लास्ट में इस वाले अकाउंट में आके, जितना ही अमाउंट नहीं पेमेंट कर पाया, ठीक है, डिस ओनर वगैरह की एंट्रीज आपको आती है, मैंने आपको बार बार समझाती है, तो जितना ही अमाउंट नहीं पेमेंट कर पाया उसकी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे, क्या, 20 अकाउंट डेबिट, इसको खत्म कर देगा, टू कैश। ठीक है, कितना कैश में पेमेंट कर रहा है, कैश में तो पेमेंट ये 300 रुपये की कर रहे हैं। ठीक है, और टू टू में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफिशियंसी टू पेमेंट ऑफ द अमाउंट।
ये कितने जाएगा मेरा 1000 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री हमारी बनती है। अब देखो आपका जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बच्चे पूछे सर इतना बड़ा क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बेटा पेपर में नहीं आएगा, बट आपका इसमें से कोई भी एक बीच की जनरल एंट्री पूछ लेगा। पूछ सकता है कि लास्ट की जनरल एंट्री बताओ कि जिसमें विजय ने कितना सिर्फ और सिर्फ 30% ही रिकवर कर पाया, उसकी जनरल एंट्री बताओ, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो मैंने आपको बता दी, डिसओनर ऑफ द बिल की क्या जनरल एंट्री होगी वो बता दी, पूरा का पूरा आपको समझा दिया कि जनरल एंट्रीज कैसे स्टार्ट होंगी और कैसे लास्ट तक चलेंगी। ठीक है, अब मेरा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी दिक्कत, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपना अकोमोडेशन ऑफ बिल। एक और होता है अकोमोडेशन बिल, कुछ होता नहीं एक्चुअली में। क्या होता है कि जैसे देखो आपने एक तो सामान बेच दिया, हाँ, एक टाइम पे क्या होता है आपने सामान बेचा, पर आपका कोई भी एक दोस्त था, ठीक है, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी। तो जब उसको पैसों की जरूरत थी तो उसने बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दे। आपने उससे बोला कि तूने पिछली बार के मेरे पैसे लौटाए नहीं थे और तू मेरे पैसे लेके भाग गया था, मैं तेरे को कैसे पैसे दे दूँ। ठीक है, वो रोने लगा, फिर आपने कहा चल ठीक है मुझे दया आ रही है पर मैं इस बार क्या करूंगा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा। ठीक है, उसने बोला कि यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो सामान के लिए बनता है, ठीक है, तू मेरे मतलब बिना सामान दिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाएगा। तो फिर उसने बोला कि क्या नाम है, जो सामान तो नहीं दूंगा पर एक अकोमोडेशन बिल बनता है, ठीक है, मैं अकोमोडेशन बिल को क्या करूंगा, जारी करूंगा। तो अकोमोडेशन बिल से क्या होता है, हमारे कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल नीड है तो आप उसको अकोमोडेशन बिल के जरिए बीआर के जैसे ही उसको आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हमारे अकोमोडेशन जो बिल होते हैं उसको जारी किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब देखो, एन अकोमोडेशन बिल इज अ बिल दैट इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, दीज बिल्स आर ड्रॉन टू असिस्ट वन और बोथ पार्टीज फाइनेंशियली इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक आवास बिल, आवास बिल तो गलत दिख रहा है इसको, इसको अकोमोडेशन बिल ही कहना चाहिए था। एक ऐसा बिल है जिसे बिना किसी विचार के निकाला और स्वीकार किया जाता है, यह बिल एक या दोनों पक्षों के विनिमय के बिल में आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन बिल्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बिकॉज दे आर ड्रॉन एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। अगर आपने कभी भी वो पढ़ा होगा, हमारा कौन सा बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए मतलब कि इन्फोर्सेबल लॉ के होने के लिए उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अकोमोडेशन ऑफ बिल की अगर कोई भी जनरल एंट्रीज आती हैं तो वो सेम टू सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जैसी ही होती हैं डिट्टो। ठीक है, सबसे पहले बीआर की एंट्री करेंगे, फिर बीआर की एंट्री करने के बाद अगर उसको डिस्काउंटेड करवा लिया जाता है तो उसकी डिस्काउंट की तरह एंट्री कर देंगे, और फिर लास्ट में जाके उसकी क्या करेंगे, उसकी पेमेंट की जैसी एंट्री कर देंगे। अब आता है क्या हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। तो ये बीआरएस का है, बीआरएस हम लोग कब से अपना मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे अपना बीआरएस, तो ये बीआरएस का क्वेश्चन है, बाकी आप लोग देख लेना इसको कैसे करते हो। ये आता है हमारे के डिसऑनर्ड चेक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रोकड़ बही और पासबुक के अनुसार बैंक के सीज के बीच के अंतर का कारण नहीं है, नहीं है, याद रखना है नहीं है। ठीक है, मैं अभी तक आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें था कि अंतर का कारण है। फिर आता है हमारे चेक्स डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, क्रेडिट सेल्स, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अनाधारित चेक, चेक जमा किए गए लेकिन अभी तक संशोधित नहीं हुए हैं, क्रेडिट बिक्री, या फिर चेक जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए। ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा वाला इनमें से डिफरेंस का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, अनकलेक्टेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग चेक्स, हाँ, अनक्लियर चेक्स, आउटस्टेशन चेक्स, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इनमें से आपको मुझे बताया है कि अनकलेक्टेड जो चेक होते हैं उनको क्या कहते हैं, बकाया चेक, अस्पष्ट कैश, बाहरी चेक, या फिर बी और सी दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन कर दो। फिर आता है क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वट इज द पर्सन हु, वट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो पर्सन क्या कहलाएगा जो कि अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है, ड्रॉ करता है। तो वो कहलाएगा हमारा ड्रॉर, पे, ड्रॉय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, भाई तो बताना मुझे सही सही आंसर इसका क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा। ठीक है, चलो अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करके दूसरे बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने चैनल पे UPPCL जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है,
और हम आपको क्या क्या पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है, और हम आपको पढ़ाते हैं क्या, इंग्लिश, और साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाते जाते हैं, और आपको क्या करवाते हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी डेली के डेली 3 से 4 क्वेश्चंस देते हैं, ताकि आप लोग मतलब कि ऐसा ना सोचे कि अरे यार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो आप लोग इनको प्रैक्टिस करते रहो और नीचे कमेंट जरूर करते रहो, ठीक है, और दूसरा चीज़ तो शेयर भी करो यार, शेयर किया करो, है, लाइक भी किया करो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। चलो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कल देखो, हाँ कल संडे है, तो कल अपने लोग के क्या रहेगा, कल अपने लोग का टेस्ट रहेगा, टेस्ट में मैं आप लोगों के लिए कल टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, और मैथ्स के भी 5 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।